वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का डेट है 29 सितंबर 2020। और आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का कल के ट्रेडिंग सेटअप के लिए, और देखेंगे कि डिमांड सप्लाई बेस, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस, हम कहां पर एंट्री ले, कहां पर एग्जिट हो और कहां पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। जैसे कि अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट पे अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रीवियस मंथ का कैंडल है वो एक हैमर जैसे बना हुआ है। और इस मंथ में हम जो कैंडल, अभी जो कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा दिस मंथ, तो इस मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक हैमर जैसा फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिख रहा है। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे ये पिक्चर जो है हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब वीकली चार्ट की जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो एक वीकली ट्रेंड अच्छा खासा अप ट्रेंड हुआ करता था, वो देखते हैं कि इंटैक्ट है या वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन ये मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कल देखने को मिल सकता है। यहां पर देखिए, किसी भी तरीके से हम जो अगर प्रीवियस टू लोस को कनेक्ट करते हैं, तो ये जो वीकली ट्रेंड है, जो डेली टाइम फ्रेम के बाद जो ट्रेंड होता है वीकली ट्रेंड, तो वीकली ट्रेंड यहां पर ब्रेक हो चुका है जैसे कि हम चार्ट पर देख पा रहे हैं। और इस कैंडल के साथ में यहां पर वीकली बेसिस पे एक बेरिश इंगल्फिंग होते हुए हमें दिखा वहां के, उसके बाद बेरिश इंगल्फिंग के बाद यहाँ पर डोजी, ये डोजी हमको देखने को मिल रहे है वीकली चार्ट पे, और उसके बाद फिर से एक वीकली बेरिश कैंडल। और इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में भी जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जो हो रहा है, वो भी यहाँ पर अभी तो फिलहाल हमें अच्छा खासा बुलिशनेस मार्केट में दिखने को मिल रहा है, एक ठीक ठाक सा, एक साइडवेज जिसे हम कह सकते हैं। अब इसी पिक्चर को हम क्लियर करेंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, जो रहेगा हमारा डेली टाइम फ्रेम, सॉरी ये हम इसको हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ चार्ट का। तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे हम देख पा रहे हैं, ये वीकली ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर देखिए जो वीकली ट्रेंड है वो ब्रेक हो चुका है इस बेरिश कैंडल के साथ, और उसके बाद इस जो ट्रेंड लाइन के निगेटिव साइड कहेंगे या डाउन साइड में स्टॉक ट्रेंड कर रहा था अपर लेवल पे, और उसके बाद स्टॉक ने फिर से एक अच्छा खासा ऑन अ डेली बेसिस पे हमें फॉल देखने को मिला। अब तक जो हम एनालिसिस दे रहे थे, जो प्रिडिक्शन दे रहे थे निफ्टी 50 का, तो वो 90% हमारा एक्यूरेट है, जो टारगेट्स हम देते हैं। ये आप YouTube चैनल पे जो हमारा प्लेलिस्ट है निफ्टी 50 का, उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या था और उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ने क्या मूवमेंट आया। अब देखिए, जैसे कि कल हमने जो एनालिसिस किया था, तो यहाँ पर हमने कहा था, एक टारगेट दिया था 11,300 का, और अगर निफ्टी बुलिश रहती है, जो ये दो बुलिश कैंडल हमें देखने को मिले, तो आज का अगर बुलिश कैंडल रहता तो थ्री व्हाइट सोल्जर का यहाँ पैटर्न उभर कर सामने आ सकता था। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो एक चार्ट को थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर देखिए इस प्राइस पे आने के बाद जो एक सपोर्ट हुआ करता था वही अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और निफ्टी आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में उसी रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड करता रहा और बाद में नीचे आ गया, लेकिन वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाया। चार्ट को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये वो प्राइस लेवल था 11,300 का, जो हमने टारगेट दिया था कि आज अगर निफ्टी बढ़ता है तो 11,300 पे खत्म हो जाएगा, और सेकंड टारगेट दिया था 11,356। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, अभी आपको ये चीज को अच्छे से समझना होगा। इसके लिए चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट के चार्ट पे। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये 30 मिनट का चार्ट है, और अभी जो पूरा जो हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो इसी रेंज में कल की डेट में रहने वाला है।
यहाँ पर देखिए अच्छा खासा बाइंग हमको देखने को मिला और निफ्टी भाग रहा था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे कि जो हमारा टारगेट था 11,300 का, वहीं से निफ्टी नीचे आया। और जैसे मैंने कहा था कि अगर निफ्टी हमें 11,175 से नीचे मिलता है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया है, ये जो 11,130 का है ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर निफ्टी यहाँ नीचे आता है तो हमें बाय करके चलना है, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 11,090 का। ओके, तो अगर निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में, अब देखिए यहाँ पर निफ्टी आ चुका है, यहाँ से नीचे आया, एक हल्का सा स्विंग, यहाँ पर एक अच्छा खासा अनडिसीजन का यहाँ पे डोजी बना, और उसके बाद एक रैली दिखाई उसने 30 मिनट के चार्ट पे, और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बेरिश इनगल्फिंग हुआ है। देखिए पूरा जो कैंडल है बुलिश, उसको पूरा तरह से एक बेरिश कैंडल ने कवर कर लिया है, और यहाँ पर जो 30 मिनट का लास्ट कैंडल था वो एक डोजी जैसा फॉर्म हुआ है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है कि ये गैप अप खुलेगा इतना 11,302, ऐसा नहीं होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये गैप अप नहीं खुलने वाला है। कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी यहीं आसपास कहीं पर खुलेगी, 11,225 या फिर 11,200 के आसपास खुलेगी, अगर बहुत ही हो चुका तो 11,240। मैं जो नंबर्स आपको बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते चलिए कि निफ्टी कल कहाँ खुलने वाली है, 11,240, 11,230, 11,220 या फिर 11,215। निफ्टी इस रेंज में अगर खुलती है तो हमें वेट करना है कि वो नीचे इस डिमांड जोन में आए जो अभी भी इंटैक्ट है, और यहाँ पर इस डिमांड जोन में आने के बाद अगर ऑन 30 मिनट के चार्ट पे हमको बुलिश इनगल्फिंग का, इनडिसीजन का कोई भी ऐसा जो पैटर्न दिखता है, तो तब जाके हम निफ्टी को बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 11,300 का। अगर निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 11,335 या 11,300 के आसपास आती है, लेकिन जो सेलिंग के लिए हमने जो एक रेंज डिसाइड किया है वो है 11,335 का, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से 11,300 से निफ्टी नीचे आई, लेकिन कल अगर गैप अप खुलती है और ऊपर के ऊपर भागती है और 11,335 से लेके 11,355 तक, ये एक रेंज है यहाँ पर 11,355 तक, यहाँ तक अगर निफ्टी भागती है, यहाँ पर खुलती है और गैप अप खुल के जो अगर भागती है, जो कि कल के डेट में चांस नहीं है, तो हमें वेट करना है जब निफ्टी 11,335 से लेके 11,355 के प्राइस पे जब ट्रेड कर रहा होगा ऑन 30 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे भी हमको बेरिश जो पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करके हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे निफ्टी को। 11,370 का एसएल रहेगा। 30 मिनट के चार्ट पे अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर दूं, और जो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था 30 मिनट के चार्ट पे, तो आज के ट्रेडिंग सेशन से वो जो ट्रेंड लाइन थी वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। ट्रेंड लाइन एक साइडवेज ट्रेड करता हुआ निफ्टी हमें यहाँ पर दिख रहा था। तो 11,370 का हमारा एसएल रहेगा अगर हम इसको शॉर्ट कर रहे 11,335 से लेके 11,355। और अगर निफ्टी को हम यहाँ पर कहीं शॉर्ट करते हैं तो फिर निफ्टी में हमें अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिल सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी यहाँ पर आती है तो यहाँ से हल्का फुल्का एक कम से कम बाउंस बैक, इस डिमांड जोन से हल्का फुल्का बाउंस बैक हमें जरूर देखने को मिलेगा। अगर गैप अप ओपन होती है डाउनफॉल पे 11,100 के पास एक गैप अप अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन होती है और नीचे गिरती है, तो यहाँ से फिर भी हमें एक हल्का फुल्का बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और यहाँ से हल्का सा एक जिसको हम स्विंग हाई बनाते हैं, हल्का सा निफ्टी फिर इस डिमांड जोन को तोड़ के कल नीचे आ सकती है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर निफ्टी 50 में और एक प्रोबेबिलिटी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने सेल के लिए एक स्ट्रैटेजी आपको बताई, वैसे बाय के लिए भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर कल निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन होता है 11,325 इस रेंज में, यहाँ पर देखिए, जो कि आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इसके ऊपर जा नहीं पाई 11,300 के ऊपर, लेकिन कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है 11,325 26 के आसपास,
तो हमें वेट करना है, वेट किस चीज का करना है कि 11,355 के ऊपर ऑन 30 मिनट के चार्ट पे कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, अच्छा खासा बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो निफ्टी को हम उस कंडीशन में बाय करके चलेंगे 11,450 के टारगेट के लिए। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, निफ्टी कल अगर गैप अप ओपन होती है आज के ट्रेडिंग सेशन में 300 11,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं जा नहीं पाई, कोई क्लोजिंग नहीं दे पाई, लेकिन कल गैप अप ओपन होती है 11,325 के पास, 25 या 26 के पास, तो हमें वेट करना है 11,350 के ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए ऑन 30 मिनट के चार्ट पे, तो निफ्टी को हम बाय करके चलेंगे, टारगेट रहेगा 11,450 का। तो इस टारगेट के साथ आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ये था टेक्निकल एनालिसिस, डिमांड सप्लाई बेस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें।